अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। पिज़्ज़ा सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। सब्जियों में मैंने बारीक कटा हुआ यहाँ पे थोड़ा सा प्याज लिया है, थोड़ा सा हरा शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, पीला शिमला मिर्च लिया है, एलोपिनो ले लेंगे, ब्लैक ऑलिव्स लिया है मैंने, ये सारा हम पिज़्ज़ा में नॉर्मली यूज़ करते हैं। थोड़े से यहाँ पर चिली फ्लेक्स ले लेंगे, ऑरिगैनो हम लेंगे 1/3 छोटा चम्मच, पिज़्ज़ा मिक्स लेंगे 1/3 छोटा चम्मच, ये ऑप्शनल है। नमक हम लेंगे स्वाद के अनुसार, ध्यान रहे चीज़ में नमक रहता है तो नमक कम यूज़ करें। बटर हम यूज़ करेंगे 2 बड़े चम्मच, तो यहाँ पे बटर को मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। चीज़ हम लेंगे 1/2 कप, मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ को ग्रेट कर लिया है, आप इसकी जगह स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिक्सचर बनाएंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए एक बोल में ये सारी चीज़ें हम एक साथ डाल देंगे। ये देखिए, आप इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास ये कलरफुल शिमला मिर्च नहीं है तो आप सिर्फ हरी वाली शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी सब्जियाँ डाल दिया मैंने, फिर हम इसमें ये चीज़ डाल देंगे। तो ये चीज़ को मैंने पहले से ग्रेट करके रखा था। अब हम इसमें ये थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक बहुत ही कम यूज़ करें क्योंकि चीज़ में पहले ही नमक रहता है। फिर ये पिज़्ज़ा मिक्स डाला मैंने, ऑरिगैनो डाल दें, और लास्ट में ये चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ। अब हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। तो ये हमारा स्टफिंग जो है वो रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसमें 1 बड़ा चम्मच पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो पिज़्ज़ा सॉस न यूज़ करें। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। तब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे ये जो ब्रेड के स्लाइसेस है, पहले इन पे हम बटर लगा देंगे। तो ये देखिए, बटर को अगर आप मेल्ट करके रखें तो इससे स्प्रेड करने में आसानी होती है ब्रेड पे। बटर आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा लगाएं। बटर लगाने के बाद आप चाहे तो इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस की एक लेयर लगा दें, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। लेकिन पिज़्ज़ा सॉस जो होता है वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है और बच्चों को जल्दी से पसंद नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस नहीं यूज़ किया है। तो आप चाहे तो इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएं और उसके ऊपर ये स्टफिंग रख दें। स्टफिंग इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करें क्योंकि चीज़ जो है वो गर्म होकर मेल्ट होने लगती है और उसके बाद जो है स्टफिंग दिखती नहीं है जल्दी से। इसलिए अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो सैंडविच अच्छी दिखेगी, प्लस टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो ये देखिए, ये मैंने 2 ब्रेड पे इसे रख दिया, और इसके बाद ये दूसरा ब्रेड का स्लाइस है, ये इसके ऊपर ऐसे रख दे जैसे नॉर्मली हम सैंडविच बनाते हैं। हल्का सा प्रेस कर दें। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा देंगे ताकि जब हम इसे टोस्ट करें तो ऊपर की लेयर जो है वो क्रिस्पी रहे। तो यहाँ पे ये बटर लगा दिया मैंने, ये दूसरे ब्रेड में भी लगा देती हूँ। और अब हम चलते हैं इसे टोस्ट करने के प्रोसेस में। तो आप चाहें तो इसे ग्रिलर में या फिर टोस्टर में टोस्ट करें, मैं इसे तवे पे टोस्ट कर लेती हूँ। तो ये ले चलते हैं इसे तवे के ऊपर। तो गैस ऑन करके तवा गर्म किया है मैंने, इस पर हम बटर डालेंगे। गैस का फ्लेम लो रखें, बटर को अच्छे से स्प्रेड कर दें। ये देख सकते हैं कि बटर जो है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो रहा, मतलब तवा हमारा बहुत गर्म नहीं है। फिर ये सैंडविच रख देंगे इसके ऊपर, और अब हम इसे कवर करके लो फ्लेम पर 1.5 मिनट पकाएंगे। तो इसे ढक दें और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। 1.5 मिनट बाद हम इसे एक बार ऐसे पलट देंगे। अगर आप गैस का फ्लेम लो नहीं रखेंगे तो सैंडविच जो है वो नीचे से जल जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो मैंने यहाँ पे लो रखा है, आप देख सकते हैं पूरे प्रोसेस में। 1.5 मिनट बाद हम यहाँ पे गैस को ऑफ कर देंगे क्योंकि सैंडविच हमारा दोनों साइड से टोस्ट हो गया है, क्रिस्पी दिख रहा है। तो आप इस सैंडविच को गर्मा गर्म खाएं, तभी ये खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। ये देखिए, दोनों साइड से अच्छे से टोस्ट हुआ है। तो ले चलते हैं इसे कट करने के प्रोसेस में। अगर आप इस सैंडविच को टोस्टर में या फिर सैंडविच मेकर में बनाएंगे तो इसका चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मेल्ट होता है, लेकिन तवे पे जो हीट है वो अंदर तक नहीं पहुँचती है तो चीज़ इतना ही मेल्ट होगा। तो ये हमारा मज़ेदार पिज़्ज़ा सैंडविच रेडी हो चुका है। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, आप उन्हें टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो आप इस पिज़्ज़ा सैंडविच की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।